नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों हम इस समय चित्रकूट से 30-40 किलोमीटर दूर हैं और यहीं पे हम लोग जा ही रहे थे यहाँ से, कि यहाँ पे हमको एक तालाब दिखाई दिया और तालाब के जस्ट किनारे वहाँ पे एक महाराज जी के साथ छोटी सी कुटिया दिख रही है, भोले बाबा के साथ छोटा सा मंदिर है। अभी चलेंगे, हम आपको लेके चलेंगे और महाराज जी का दर्शन करवाएंगे, देखेंगे महाराज जी यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे भोजन प्रसाद तैयार करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे, महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर स्थान है, बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, देख सकते हैं कितना विशाल वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, कम से कम ये होगा 100 साल पुराना होगा। देख सकते हैं कुर्सियां भी यहाँ पे लगी हुई हैं और यहाँ कमल बहुत ज़्यादा इस तालाब में होते हैं, पूरा कमल से पूरा तालाब भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है और उसी के जस्ट किनारे महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, वहीं पर चलेंगे, उनके दर्शन करेंगे और देखेंगे कैसे क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रह के भजन करते हैं। महाराज जी की भोजन प्रसाद तैयार हो रही है, सामने बहुत अच्छा तालाब भी है दोस्तों, देख सकते हैं कितना सुंदर तालाब है, महाराज जी यहीं पे भोजन प्रसाद तैयार करते हैं। तो महाराज जी यहीं पे सब कुछ तैयार होता है, सब यहीं अभी क्या है, कुछ पाने नहीं आए अब, वही लोग जब थोड़ा जोर लगाएंगे तब सब पानी का भी यहाँ तब तो इंटरनेट है कि अब आते हैं जी और यहाँ सेवा ले लेते हैं, एक पैसा भी नहीं, यहाँ दान करते, अब केवल दान ही से सब कार्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये कीर्तन भजन जो मैं खाता पीता हूँ, जो भगत का आते हैं भूखे प्यासे वो खाते हैं, माने दो आदमी एक आदमी तीन आदमी यहाँ खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, मतलब किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं है कि कोई जमीन लगी हो, कोई कतो से आए हो, कोई निर्धारित भक्त हो, कोई कितना हर महीना में देता हूँ ना, ये प्रभु जी की इच्छा, ये सीधा उधा माँ उसमें यहीं तना सब जो भगत पुराने भक्त हैं वहाँ के जी जी, तो सब वही सीधा उधा ले जा आते हैं तो वही दे देते हैं, उसी से सब काम चल, उसी सब काम चलता रहता है। अच्छा, मैं भिक्षा भवन भी नहीं जाता, अच्छा अच्छा, किसी के निमते हकारी भी नहीं जाता जी जी, न किसी के दरवाजे जाता, यहाँ पर दुकान है, कभी चाह पीने में नहीं गया, उनकी जिसकी भक्ति वगैरह जो होते हैं वो उसका यहाँ से लेकर के देता जी जी जी, भोजन प्रसाद के लिए क्या भूखे पड़े रहा हम नहीं जाते किसी के घर जी, यही जो कुछ मिल जाएगा यही सब कुछ हो, यही पे सब कुछ हो जाता है, यहाँ से जाता ही। तो महाराज जी आप इस स्थान में कितने सालों से हैं? मैं 15 साल 10 साल तो वहाँ दूसरे मंदिर में, वो घर है अच्छा, गांव में, अच्छा अच्छा, वहाँ पर यही पर 3 साल की अखंड हुई रामायण की जी, और इसी तरह कीर्तन होती रही अच्छा, और फिर यम 15 साल इसमें रहा अच्छा, इस मंदिर में जी, तो ये मंदिर में मैंने अखंड कीर्तन और भजन ये सब हर महीना अखंड जी, और ऐसे जो है तो भजन भाव नव दुर्गन में और ये कृष्ण जन्म में ये तो सब होता रहा जी जी, अब वहाँ सब सामान जुट गया जी, वहाँ भी माइक से लगा के, मशीन से लगा के, बाजा हारमोनिया सब नाल से लगा के, सब दुतहुरा से लगा के, यानी सब कुछ हो गया जी जी, तो वहाँ जब सब पूरा हो गया अब वो आ गए जिनका मंदिर है जी, तो जब वो आ गए तब मैं कहा मैं बुढ़ा आदमी में सेवा नहीं कर पाऊंगा जी जी, आप लोग अब दोनों की कि दिन हनुमान जी की भी सेवा करूं, आपकी भी सेवा करूं जी, तो ये मूर्ति मेरी ही धराई हुई है। अच्छा, भोले बाबा आपके ही बैठे, आपके मेरे ही बैठा, ये खाली एक साल बैठे रहे, दूसरे साल एक कंपनी वाले आए जी, ये सरकारी वाले, सरकारी ये जंगल विभाग वाले साहब, हाँ, उसने देखते रहे तो उसे याचना किया तो उसने बनवा दिया, उन्होंने मतलब यहाँ पे बैठा दी भोले बाबा, भोले बाबा को छाया बनवा दिया, छाया बन गई उनसे, जब याचना किया उनसे कि आप यहाँ बनवा दोगे तो तुम्हारा परिवार कुशल रहेगा जी जी जी, तो उन्होंने प्रभु जी की इच्छा बनवा दिया, जब बनवा दिया तब अब यहाँ पर मैं भी यहाँ पर चला आया, ये खाली खाली जगह पड़ी है, उसने बोले कि माने इसमें हम भाई वो नहीं बनवा पाएंगे वो गुम्बज, गुम्बज हाँ, तो मैं बोला कि छाया तो बन जाएगी, गुम्बज बने या न बने जी जी, तो फिर कोई प्रभु जी की इच्छा होगी तो गुम्बज भी बन जाएगा, गुम्बज कोई बड़ी बात नहीं है, तो हृदय भी इसमें रहने लगा, भी इसमें भी सब मैं चाहता हूँ कि जुट जाए, हर सामान हो जाएगा, जब कोई भगत आ जाए और कोई आए, क्योंकि मैं मेरा नहीं किया होता जी जी, तो कीर्तन भजन भी ये डर की मैं कहती नहीं हूँ कि माने भाई मेरे पास से बात बाहर है तो मानेगी नहीं जी, कीर्तन होगी। महाराज जी जैसे आप भोजन प्रसादी बना रहे हैं खुले में, हाँ, तो बारिश होने लगी तो फिर समस्या होती है, समस्या होती, बंद कर देता हूँ, बंद कर नहीं खाता पीता, बैठा रहता जी।
फिर दूसरे दिन खाता पीता भूल। मतलब अगर यहाँ पे टीन सेट एक लग जाए, टीन सेट यहाँ पर बंदर गिरा देंगे। अच्छा, बंदर गिरा देंगे, बंदर उनके मारे नहीं बचाता कुछ, यहाँ इतना हुआ था। दूसरी बात, यहाँ ईंटा केवल एक ईंट की कोई कुछ बन जाए पर दी, बस वही हो सकता है, बाकी और नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब बगल में तालाब भी है, तालाब भी है, यहाँ बंदर माने बने ही रहते हैं, बहुत बंदर आते हैं, बहुत बंदर। मतलब एक तरफ से जैसे दीवार उठ जाए किनारे से, फिर ऊपर टीन लग जाए, उतर जाए, तब फिर बन जाएगा, तो फिर बन जाएगी ये, तो फिर मजबूत इंगलों से कस दी जाए। हाँ, कुछ न कुछ मजबूत बने, मजबूत बने तभी टिकाऊ रहे। हाँ, नहीं वैसे होता तो अभी कर देता थोड़ा बहुत। सही है। तो भाई हमें तो ये है कि माने जो कुछ हो तो मजबूत हो, नहीं तो ऐसा ही सब चलता, नहीं ऐसा ही चल रहा है। हाँ, जब तक, क्योंकि अब मेरी अवस्था भी नजदीक आ गई है जी। मैं 82 साल का हूँ। अच्छा, 82 साल, 82 साल का। अच्छा, तो अब मेरी नजदीक ही आ गई है, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं होता जी। अब ये कोई प्रभु जी की इच्छा जब होगी तब वो कहने में आप ऐसा ही बसर कर लो। पूजिए की इच्छा से बिना कहे जी जी ये तुरंत बन गया जी जी। साल के अंदर माने खुले में बैठे रहे, अब फिर बन गया अपने आप, हमारा एक पैसा भी नहीं लगा जी जी। इसी तरह ये भी बन जाएगा। सही, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये प्रभु जी की इच्छा से सब कुछ होता है। सही है महाराज जी, ये भक्तों द्वारा ही बनवाया गया है, भक्तों द्वारा ही बना, भोले बाबा के ऊपर छाया बन गई है। ये छाया अंदर द्वारा बनवाई गई जी जी जी। हाँ, बाहर ही आपका भोजन प्रसादी तैयार। हाँ, भोजन प्रसादी के लिए मैंने परेशानी तो होते है, कहीं कहीं वैसे पड़े रह जाते जी जी। हाँ, बरसात में नहीं बनाया हो, बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरी बात, अभी इतनी मेरे पास आय भी नहीं है कि गैस भरा लूं, गैस चूल्हा ले लूं, तो ये भी ऐसे भक्त भी नहीं अभी लगे यहाँ कि माने कुछ, अब मोरे कुछ भूत नहीं है, हमें तो ये है कि पेट में भोजन मिल जाए इतना बस, बस और मेरे वो पा जाए बस इतना बहुत। अब जैसे गैस सिलेंडर है भी छोटा सा, तो उसे भराने के लिए छोटा सा है तो जी दे गया है जी, मगर अब खाली रखा, खाली रखा एक है। जब तक चला है तब तक चला है, नहीं खाली रखा। बिल्कुल बिल्कुल, भराने के लिए भी तो पैसे रखते हैं। केवल मेरे पास 20 रुपया है, 20 रुपया में क्या कर लूंगा। सही है, बिल्कुल सही बात है महाराज जी। हमारा जी राशन पानी जो आता है तो ये मतलब भक्तों द्वारा आता है, भक्त जो सीधा उधर जो अमावस में आते हैं। अच्छा, तो जो लोग जैसे आप आए यहाँ बनाए खाए, जो बचा सब दे गए, मतलब जो बचता है तो आपको दे जाते, दे जाए। अच्छा, हाँ, तो और ऐसे हर महीना वाले आते हैं, और भी भगत आते हैं, तो ये है कि बाबा का सीधा पौवा सरवल ले आते जी जी जी, तो ऐसे ही चलता ऐसे, मतलब भक्तों के द्वारा, भक्तों के द्वारा सहयोग आपका होता है। कोई ये नहीं कि निर्धारित कोई भक्त है। अच्छा, कि हर महीना दे जी जी, निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं है ना, मतलब जब कभी आया कोई तभी मतलब सेवा पहुंचती है। हाँ, निर्धारित यहाँ कुछ भी नहीं, भोलेनाथ है निर्धारित, भोले बाबा है। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं बुजुर्ग संत है, 85 साल उम्र है महाराज जी की, और यहाँ पे भक्त भी उस तरह परमानेंट जुड़े नहीं है, जैसे कोई भक्त आया यहाँ से तो वही महाराज जी को दे जाता है, बाकी यहाँ पे सेवा नहीं पहुँच पाती है। देखिए अपने स्वयं से बनाते हैं यहाँ पे, तिक्कड़ 2 ठो तिक्कड़ बना लिए और पा लेते हैं, खुले में ही महाराज जी का चूल्हा बना हुआ है और यहीं पे अपना भोजन प्रसादी तैयार करते हैं। अगर ज़्यादा बारिश भी होने लगी तो महाराज जी का यहाँ पे सब बिगड़ जाता है, महाराज जी बंद करके अपने अंदर मंदिर चले जाते हैं, फिर जब पानी खुला तो फिर बनाते हैं। देखिए, देख सकते हैं, अब भक्तों के द्वारा एक छोटी सी महाराज जी को गैस भी दी गई है, लेकिन जब तक चलती है गैस तब तक तो ठीक है, उसके बाद जब गैस ख़त्म हो जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है गैस भराने में, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पे गैस भरी भी नहीं जाती, भी मिलेगी तो पैसे से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कोई चीज़ है तो पैसों से, सब कुछ पैसों से ही मिलता है। पैसा मेरे पास है नहीं, किसी तरह से बस भजन हो रहा है, भजन हो रहा है बस, गुजारा हो गया, क्या है अब थोड़ी सी जिंदगी है जी। अब मुझे कोई परवाह ही नहीं। अच्छा, कोई परवाह नहीं, अब आए जो भोलेनाथ का करना होगा वही हो। अच्छा, अब आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बस। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं, अब क्या ये इतने साल उम्र गंवा दिया, अब मुझे कौन सी चिंता है। सही बात, हाँ, अब क्या कितने थोड़ी सी उम्र रह गई, अब जिसे ज्यादा होगा वही आएगा भी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि आ जाए, मुझे पीठ रोटी दे, बनी बनाई और अपना सब संभाले। सही,
मैंने कहीं नहीं जाना, न किसी की मिलते हैं कार्य जाना है, अच्छा। ना किसी के दरवाजे जाना है, ना कभी हाथ पसारना। जो देंगे वही खाएंगे, तब बोले बाबा जो देंगे वही पाएंगे। किसी मंदिर में रहेंगे, मंदिर में जो आएगा वही वही पाएगा, चाहे जैसा रखें। तो भूखे नहीं रखे कभी, भूखे नहीं रखे ना, एक टाइम जरूर मिला, खाना मिलता जरूर है, एक टाइम जरूर मिलेगा। मतलब जिनके भरोसे हैं तो कहीं ना कहीं से एक टाइम जरूर व्यवस्था कर देते हैं। यही तो महाराज जी परमात्मा की लीला होती है। ना अच्छा, भक्त भी मेरे पास एक दो एक दो एक दो एक दो यात्रीगण आगल पागल। अच्छा, पागलों को मैं भोजन पहले देता हूँ जी। आगल पागलों के लिए जो है उसे लोग भगा देते हैं जी, बिल्कुल सही। डरते हैं पागलों के लिए जी, मगर मैं नहीं डरता, मैं उसे पागलों के लिए भोजन जरूर दूंगा। अच्छा, हाँ उन्हें दूंगा। जैसे कोई मतलब आ गया थोड़ी सी, अरे नहीं आते ही यहाँ पर रोज भगते रहती। अच्छा, जैसे बहुत से लोग महाराज जी छोड़ भी जाते। हाँ, बहुत से छोड़ भी जाते। अमावस्या में आते हैं चित्रकूट। हाँ, देख सकते हैं कोई खाने की व्यवस्था नहीं होती, आप पागलों के लिए भी मतलब व्यवस्था कर देते हैं। ये जो है तो कर दिया, नहीं है तो क्या करे। सही, नहीं है तो क्या करे। सही बात है। अगर मेरे पास दो रोटी हो तो ले एक रोटी, खा ले रोटी में खा। सही, नहीं तो फिर जैसा मैं ही पैसा बैठ। होगा महाराज जी, तालाब में तो बहुत कमल है। हाँ, कमल है। कमल जो पुराने थे ये बूढ़ गए हैं, पहले पानी कम था। अच्छा, अब ये बूढ़ गए हैं, ये नया फिर से फूटे हैं। अच्छा, ये सब नए हैं पेड़ है। हाँ, नए हैं, और अभी एक बार अभी कमल एक बार फूलेंगे। अच्छा, ये कब महाराज जी फूलते हैं कमल? ये कमल तो फूले, कमल की फूलों की यही उम्मीद है। अच्छा, ये गर्मी में पूरी गर्मी फूले फूल रहे। अच्छा, यानी गर्मी में। हाँ, और अब जो ठंडी आएगी, ठंडी में समाप्त हो जाएगा, ठंडी में समाप्त हो जाएगा पूरी गर्मी। मतलब दीपावली तक में समाप्त हो जाएगी, दीपावली तक अभी फूलेंगे। अच्छा, अब ये बूढ़ा के कारण से ये अभी बूढ़ गए, समाप्त हो गए हैं, फिर से फूट है तो फिर से अभी अभी फूलेगा, अभी जो गर्मी पड़े। हाँ, हाँ। पानी ज्यादा हो गया हमारा। हाँ हाँ हाँ, जब महाराज जी फूलते होंगे तो बहुत सुंदर लगता होगा स्थान। हाँ हाँ हाँ, बहुत यहाँ पर फूटी खींचते हैं लोग यहाँ पर। यही तो बात है, ये सब ये जो यहाँ पर लोग वैसे आते हैं घूमने के लिए जी जी। महाराज जी आपके पास फुकनी भी नहीं है? अरे अभी बस यही के पा गए हैं, तो यही यही से आपका जो अच्छा। कुछ मिल गया, प्रभु जी की इच्छा है, जो प्रभु जी जैसे कराएं वैसे रहना जी, चाहिए जी, जी। संतोष से बड़ा धन नहीं है कुछ। सही बात, कोई भी चीज हो संतोष करो, बस हो गया सब कुछ है। अगर संतोष नहीं है, लाखों है तुम्हारे तो संतोष नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस संतोष ही सब कुछ। संतोष मतलब होना चाहिए, होना चाहिए धैर्य, धैर्य संतोष है तो सब कुछ है। तो धैर्य संतोष नहीं है तो कुछ नहीं। इतना कमा लीजिए, क्या जितना कमा लिया। अब जब यहाँ आया है तो दायपुर के भक्त पटेल है जी, वो कुछ बर्तन दे गया है। एक पहाड़ी का ब्राह्मण है, वो बर्तन दे गया है जी, चिमटा उमटा दे गए हैं। एक भगत तवा दई दीनी सी, दूठे टीना उना इंतना क्या दई दीने नहीं, अल्लाह इंतना हो गया है। अब यहाँ मेरे पास ना नाल है ना वो हारमोनिया, ये नहीं है, ये समस्या है नहीं। यहाँ तो आप भजन करते लोग को पाते, मतलब कीर्तन कहते लोग पाते तो। अच्छा, दो चार यहाँ बने ही रहते हैं कलाकार। मतलब महाराज जी आप कीर्तन के बहुत बड़े शौकी हैं। कीर्तन माने जब से मैं हुआ तो मेरे आज मुझे 10 साल वहाँ, 15 साल यहाँ, 1 साल यहाँ जुमकता होते जी जी। इतने दिन से मैं आज तक मेरे हाथ से आरती छूटी और मेरे कीर्तन भजन होता ही, मेरे होता ही जहाँ मैं रहता हूँ वही होता है। हाँ,
इसमें से आया तो मैं कीर्तनियों से कहा भक्तों से कि आप वहीं करो, अभी यहाँ कुछ नहीं है व्यवस्था। तो बोले कि जहाँ आपकी शहरी रहेगी वही राम नाम रहे, वही मतलब हम कीर्तन करेंगे। हाँ। आपके उसमें छत्र साया भी करेंगे। हाँ। मतलब एक जैसे बाजा लग जाए, एक ऊपर माइक लग जाए। हाँ। तो उसमें सीताराम सीताराम होता रहे। होता ही रहेगा। तो मगर कुछ अभी अभी प्रभु जी की इच्छा नहीं है, क्या करें। बिल्कुल, उनमें था वो मंदिरों में था, दोनों मंदिरों में बिल्कुल हर मंदिर में हमारे ये व्यवस्था तो होनी चाहिए भाई। माइक एक तो होना चाहिए, ऊपर वो लगा हो, यहाँ पे सीताराम सीताराम होता रहे, वही मंदिर है। जी वही मंदिर है, बिल्कुल सही। चलिए महाराज जी, अगर भगवान की कृपा होगी तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, लग जाएगा। अरे वो तो केवल उनकी कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बिना कृपा के महाराज जी कुछ नहीं होता है। अब वो चाह लेंगे क्या पता कल ही लगवा दें, है ना महाराज जी। और उनके पल में सब कुछ कर सकते। सही। क्या पल में सब कुछ कर सकते। अब देख सकते हैं महाराज जी, महाराज जी आपके तिक्कड़ बहुत गोल गोल हैं। पाली। हाँ। नहीं महाराज जी, हम तो नहीं पाएंगे यहाँ पर। जैसे मैं बनाया जी, अब आ गए भूखे प्यासे जी, तो चाहे दो दो मिले, मगर दो दो खा लेंगे, एक एक खा लेंगे सभी लोग, मैं भी उतना, तो उतने में भी बोध हो जाता है जी। हाँ, ये प्रताप भोलेनाथ, उतने में ही माने सबको तसल्ली हो जाए जी जी। हाँ, चौमास आ चूहला भर नकरी होती तो बरत रहत। अब लकड़ी है नहीं ज्यादा, गीली है, सारी लकड़ी गीली हो गई। हाँ। तो थोड़ी समस्या ज्यादा हो। हाँ। महाराज जी, पहले यहाँ पे कुछ ना बना रहा होगा, तालाब किनारे कुछ नहीं, ये लूट होत रही। अच्छा। हाँ। ये लोगों को लूट लेते थे। अरे अब देखिए कलयुग है, कलयुग में इसीलिए राजा परीक्षित ने जी कलयुग को जगा दिया है। कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, और गाय राम गुरु जग विमल भव दिन तरे प्रयास। ये कलयुग जो है, तो कलयुग यहाँ बना ही नहीं रहता जी। जब कीर्तन भजन होता है तो कलयुग रहता ही नहीं, नहीं जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर कलयुग रहता, वहाँ पे रहता, जहाँ पर जहाँ भगवान के भक्त है, भगवान की प्रतिमा है, भगवान का धर्म है जी, तो वहाँ पर कलयुग थोड़ी रहता है जी। कि कलयुग वहाँ पर रहे ना, मतलब जहाँ पे पाप प्रगति का, बस वही कलयुग, वही कलयुग। और कलयुग ये थोड़ी की जहाँ पे धर्म है, जहाँ पे मतलब वहाँ कलयुग रहेगा ही नहीं, उसको जगह ही नहीं ना। इसीलिए लोग मंदिरों में मस्जिद में आते हैं, जहाँ धर्म होता है वहाँ जाते हैं, तो चलो यार घूमने शांति के लिए। सही है। हाँ। क्या कहें आपको, धन है प्रभु जी, कल्याण करे, अखंड कल्याण हो, जो आप मेरी प्रतिमा को देख रहे हैं। महाराज जी, भोले बाबा की जब प्रेरणा होती है तभी कोई कहीं पहुंच पाता है। जाए जाए। आज तो हम अपने कॉलेज गए थे। अच्छा। एडमिशन कराने, तो अच्छा। हम यहीं से निकल रहे थे, अच्छा। दर्शन करने आ गए। हाँ, थे। हाँ। और कल हम सुबह आएंगे आपके। अरे पास। जय हो प्रभु, भोले बाबा जो कृपा करेंगे। अच्छा। हाँ। तो हम आपके दर्शन करने कल सुबह आएंगे, जो सेवा हमसे बन पड़ेगी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक महाराज, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो जी। देखिए मैं आज तक इतने दिन मेरे भजन करते हो गए जी जी। मगर ना किसी के दरवाजे गया जी जी। ना किसी से आज तक ऐसा मांगा जी। जो मांगता हूँ इससे मांगता हूँ, क्योंकि हमारी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिख गए जी। कि मोर दास हो नर आस कहावा, वो नर मुहि सपने न भावा। मोर दास हो गए, और आपकी आशा करे, दूसरे की आशा करे, तो भगवान कहते हैं कि मेरा दास कहे क्या। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम, कोई भी भक्त आया अगर कुछ दे गया तो उसको ये नहीं चाहते कि मानो या इसको सम्मान करे, स्वागत करे, दे तो भी उतने सम्मान, ना दे तो उतने सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल।
कोई देता है तो उतने सम्मान है, जो नहीं देता उतने सम्मान। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। और ना ये है कि अब ये आप लोग देते हैं तो तुम्हें आभाव से लिया, जो नहीं देता उसको इसको दुरिया, ना ऐसा सब बराबर है, सब बराबर। बिल्कुल सही बात है। हाँ अच्छा, ये जो है छुआछूत जो है, ये फलानी जाते ठिकानी जाते, मेरे लिए कोई कुछ नहीं। बिल्कुल सब इंसान बराबर है, सब इंसान। कीर्तन में सब एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे, सब एक साथ बैठ करके फिर अपना वहाँ जहाँ जो कुछ करें, मगर यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सब बराबर, सब बराबर। बिल्कुल सब बराबर है ही महाराज। महाराज जी आशीर्वाद दीजिएगा, कल हम आपके सुबह आएंगे। जय हो, जय हो। ये तो मेरी प्रभु जी की इच्छा से मैं बड़ा भारी धन हो गया जो आप लोग के दर्शन हुए। जय हो प्रभु की, इतनी खुशी है, इतनी अपार खुशी है कि प्रभु जी मिल गए। हाँ महाराज, आप बूढ़ते हुए इसको सहारा मिल जाए, ये सहारा नहीं है, सब यही सहारा ठाकुर जी की कृपा है महाराज। हाँ ठीक है महाराज, जय जय जय।